यूपी पुलिस की भर्ती को लेकर तनाव में है योगी सरकार। नींद गायब हो गई है, करे क्या। उत्तर प्रदेश में 60,244 नागरिक पुलिस की भर्ती में सामान्य वर्ग के बच्चों को उम्र सीमा में छूट न दिए जाने पर बच्चों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्विटर पर लगातार वह मार कर रहे हैं, लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी अपनी समस्याओं को ले जाकर के कह रहे हैं। वह सांसद हों, विधायक हों, मिनिस्टर हों, क्योंकि संपर्क तो उनके है ही, वह कह रहे हैं आप योगी जी से कह करके उम्र में छूट दिलवाइए। अब सांसद, विधायक और मिनिस्टर कहेगा कौन? योगी बाबा से मिल करके और दमदारी के साथ, मुझे जो मेरा मानना है, मैं नहीं जानता कि आपकी क्या सोच होगी, लेकिन दमदारी के साथ कोई अपनी बात कह सके, मैं नहीं समझता कि किसी की औकात है। अधिकारियों की भी औकात नहीं है कुछ लोगों को छोड़ करके। जैसे एक सज्जन ने बताया, एक अधिकारी ने ही बताया कि हमारे यहाँ के जो DM थे प्रभु नारायण सिंह, उन्होंने योगी जी से कह दिया था कि हुजूर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें। बहरहाल उनके करीबी लोगों में से हैं, लेकिन कहने की औकात नहीं है। इसी प्रकार केंद्र में बाबा से कौन कहेगा, बाबा को कौन सुझाव देगा और शाह को कौन सुझाव देगा। सुझाव वह लोग अपनी ही जोतते हैं, अपनी ही मानते हैं और जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं और ऐसा हमारा भी मानना है, क्योंकि कहना चाहिए। सही बात अगर नहीं कहेंगे, सचिव वैद्य गुरु तीन, प्रिय बोले हैं भय आस, राज धर्म तन तीन, कह होई बेगही नास। सचिव यानी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मिनिस्टर हैं, उनके IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, वैद्य यानी डॉक्टर अगर नहीं बताएगा कि साहब आपको यह दिक्कत है, इस तरह से अगर परहेज नहीं करेंगे, अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तो आपको कैंसर शुरू हो गया है और आपकी जान ले लेगा, अगर आप खैनी नहीं छोड़ते हैं तो आप मुँह नहीं खुल रहा है, इतने ही पर बहुत लोगों का मुँह ऐसे ही रह जा रहा है, खुलेगा ही नहीं। तो अगर डॉक्टर वैद्य सही बात नहीं बताएगा तो मरीज तो गया काम से। सचिव वैद्य गुरु, और गुरु अगर नहीं सही बात कहेगा तो भी राजधर्म का नाश होगा। होई बेगही नाश, राजधर्म तन शरीर, राजधर्म राज और धर्म तन तीन के होई बेगही नाश, जल्दी ही नाश होगा। तो अब आ रहे हैं हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में छूट देने की बात। क्या उच्च न्यायालय इलाहाबाद सामान्य वर्ग के बच्चों की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार को आदेशित करेगा? इस मामले की सुनवाई चल रही है, क्या उच्च न्यायालय तत्काल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से कहेगा कि जो 18 साल से लेकर 22 तक की उम्र सीमा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की निर्धारित की गई है उसमें बढ़ाइए, या फिर यह भर्ती अब शुरू हो रही है, शुरू हो जाएगी, आ गया है और यह ख़त्म भी हो जाएगी, और लोग चिल्लाते रह जाएंगे, जैसे अन्य आंदोलनों को दबा दिया जाता है, आवाज़ दब जाती है, वैसे ही अभी दब जाएगा। हम एक विधिक चर्चा भी करने जा रहे हैं और संवैधानिक चर्चा भी। इस चर्चा में हम इस पक्ष को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बंपर भर्ती का लाभ भाजपा सरकार को मिलेगा। इस प्रत्याशा में यह भर्ती निकाली गई 2018 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में नागरिक पुलिस के लिए यह भर्ती आहूत की गई है। शायद यह सोच भी उनकी इसी दिशा में हो, किंतु जिस प्रकार से सामान्य वर्ग के बच्चों का आक्रोश उम्र सीमा को लेकर बढ़ रहा है, इससे सरकार सकते में है। यदि उनके लोग आदित, अच्छा यह किसके अधिकार क्षेत्र में है इसको भी हम बताते हैं। यह अधिकार क्षेत्र तो पूरा पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का है। योगी जी एक बार कह देंगे कि ठीक है, यह नियमों की गंभीर इसको देखते हुए और इनकी मांग को देखते हुए उम्र 2-3 साल बढ़ाई जाती है सामान्य वर्ग के बच्चों। चाहें तो 5 साल की जो छूट दी गई है अन्य आरक्षित वर्ग के बच्चों की, 1-2 साल उसको भी बढ़ा सकते हैं, या इनके अधिकार क्षेत्र में, इसके लिए कहीं कोई संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, या सीधा सीधा है 5 मिनट लगेगा इसको कर देंगे। तो यह वही बच्चे हैं जो घरों से मतदाताओं को निकालते हैं, बूथ तक पहुँचाते हैं, कंधे पर उठा के ले जाते हैं, चारपाई पर ले जाते हैं, किसी कोई वोट छूटते न, एक वोट से हमारे बाबा का नुकसान न हो, सरकार बनने से न रुक जाए, अधिक से अधिक सीटें आए, मोबाइल लेकर दिन भर सनातन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की व्याख्या करते रहते हैं। अब इनसे बड़ा सनातनी भी कोई नहीं है, नाराज होकर रोज गाली सुनने का स्वभाव है,
आदत है, आदत की परिभाषा है जिसके कि ये बिन रहा न जाए। सत्य बात कहने पर अगर गाली सुनना है तो सुनने में खुशी होगी। यही वह लोग हैं जो हमारे यहाँ कर रहे हो ना, लगातार मैसेज कर रहे हो और फोन कर रहे हो। तुम ही वह लोग हो जिसने सनातन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ठेका ले लिया है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर 2 बजे रात तक गरिया करके जाते हो। चलो तुम्हारे कहने पर कर देता हूँ, और करना हमारा धर्म भी है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी के सबसे बड़े शुभचिंतक भी यही लोग हैं, तथा किसी भी सीमा तक यह अपने नेता के लिए जा सकते हैं। अगर बाबा किसी गुंडे मवाली तस्कर माफिया और अपराधी बलात्कारी को टिकट देगा तो भी उस मामले में यह तनिक भी संकोच नहीं करेंगे और मोदी 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 कहते हुए भिड़ जाएंगे। इस पर भी तुम्हें विरोध करना चाहिए, जैसे आज आ रहे हो अपने इस मामले को लेकर के, उस पर भी तुम्हें करना चाहिए। गिरेबान संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, लोक मर्यादा के साथ पकड़ने की जरूरत है कि किसको दे रहे हो टिकट। हम गुंडे को झेलेंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित मतदाता हैं, गुंडे को वोट देंगे? तो यह बच्चे भाजपा के परंपरागत वोट हैं। बच्चे जब नाराज होंगे तो स्वाभाविक है उनका परिवार भी उनके साथ नाराज होगा, और इसे हल्के में यदि सरकार लेती है तो इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। काशी मथुरा को लेकर जनता में उत्साह और सनातन का भूत सर पर इस प्रकार चढ़ा हुआ है कि काशी मथुरा रहेगा प्रभावी, न कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती। कौन जाए भैया? वो कहेंगे, फिर वही कहेंगे, कौन जाए? डंडा लेकर के 12 घंटा ड्यूटी रहती है, हमका हुक्म का गुलाम होना पड़ेगा। चलिए हम चलेंगे अब हिंदुत्व के लिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 2018 में योगी सरकार ने पुलिस भर्ती निकाला था तो हम अंडर एज थे, अब 2023 में हम जब भर्ती निकाली गई है तो हम ओवर एज हो गए, हमारा दोष क्या है? 22 साल के उम्र में हम हो गए बूढ़े। हम बूढ़े हो गए, हमका फांसी दे दो। हम बूढ़े हो गए, हमका फांसी दे दो। वे 27 साल तक जवान रहेंगे और हम 22 साल में बूढ़े हो गए। सामान्य वर्ग के बच्चों का कहना है कि हम आरक्षित वर्ग के बच्चों के आरक्षण पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, उनके संविधान और संसद वर्णित प्रदत्त आरक्षण के आधार पर आरक्षित हुई सीटों पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उम्र सीमा में छूट का अंतर 5 साल उन्हें दिया जा रहा है। कम से कम हमें भी 2-3 साल दिया जाए। यदि सरकार 22 की जगह 25 कर देती है तो तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चों को इस भर्ती में कूदने, अपनी श्रेष्ठता के आधार पर चयन होने का अवसर मिल जाता। यदि चयन नहीं भी होता तो हमें इस बात का संतोष हो जाता कि आरक्षी भर्ती में हमने भी प्रतिभाग किया था। चलो हमारे कर्म उस तरह के नहीं थे, मेहनत नहीं किया था, या फिर भाग्य ने साथ नहीं दिया। सबसे खास बात यह है कि सबसे बड़े कलेजे का परिचय देते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सामान्य वर्ग की इस मांग का समर्थन किया है। जैसा कि कुछ लोगों से हमारी फोन पर भी बात हुई, कुछ लोगों ने मैसेज करके भी कहा है, और कहा है कि सामान्य वर्ग के अनुरोध पर उनकी मांग को सुना जाना चाहिए, ऐसा कहना है उन बच्चों का। हमने कल एक वीडियो किया था जिसका टाइटल था, थंबनेल था, यूपी पुलिस के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं इच्छा मृत्यु। कई बच्चों के फोन आए, व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, कुछ ने लड़ाई भी किया, आप हम लोगों का वीडियो नहीं करेंगे क्या? हम आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको सुनते हैं, अनसब्सक्राइब कर देंगे। हमने कहा कर दो बेटा, यह तो बहुत दिनों से सुनते आ रहा हूँ, क्या करूँगा, अनसब्सक्राइब कर दोगे तो कर दो। रोज ही 2-4-5 लोग करते हैं, रोज सब्सक्राइब भी करते हैं, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या अधिक है, अनसब्सक्राइब, भाई सबके मन मिजाज की बात तो मैं नहीं कर सकता, सबको खुश भी नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है कि सबको खुश कर दे। धमकी दिया, खूब लड़ाई किया। हमने कहा बेटा चौकीदार की बम्पर भर्ती निकल रही है, एंड्रॉइड फोन तुम्हारे पास ही है, लग जाओ, इसके लिए सनातन और हिंदुत्व खतरे में है, इसके लिए लगे रहो ना दिन भर रात भर। राष्ट्रवादी बच्चे हिंदुत्व सनातन के संवाहक पुलिस में भर्ती होने जाएंगे, बताओ तुम वर्दी पहनोगे क्या, डंडा भाजोगे? अरे देश देखना है, ऐसा ही बच्चे कभी कभी इंटरव्यू के दौरान कहते हैं। मैंने बताया भी है, बड़ा कष्ट होता है कि वह बेरोजगारी के सवाल पर बात नहीं करेंगे, उनके सर पर हिंदुत्व और सनातन राष्ट्रवाद चढ़ा हुआ है। बेटा पेट जब खाली होगा ना, पेट की भूख सारे सनातन और राष्ट्रवाद की ऐसी की तैसी कर देगी। भूखे भजन न हो गोपाला, फिर कहा लेला आपन कंठी माला। अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जरूरी वह है या तुम्हारी पुलिस वाली भर्ती?
काफी कमेंट आए हैं, हजारों से ऊपर कमेंट आए हैं। आशीष कह रहे हैं सामान्य वर्ग के बच्चों को सरकार कीड़ा मकोड़ा समझती है। यूपी पुलिस भर्ती 18 से 22 तक उम्र कम करना इसका सीधे सीधे प्रमाण है। विवेक कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे लोग 80 साल की उम्र तक जवान बने रहते हैं और बच्चे 22 साल की उम्र में ही बूढ़े हो गए, यह कैसा लोकतंत्र और कैसा न्याय। राजेश तिवारी कहते हैं बहुत बेकार निर्णय, 22 साल की उम्र सीमा नवयुवकों को बेरोजगार बना रही है और यूपी सरकार ने बहुत बड़ा छल किया है हमारे साथ। एक प्रतिभागी कह रहे हैं अगर छूट नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे, इसकी जिम्मेदारी योगी बाबा की होगी। बेटा तुम्हारे आत्महत्या करने से योगी बाबा और मोदी बाबा पर कोई असर नहीं होगा, ऐसे तमाम लोग मरते जीते रहते हैं, इसका क्या मतलब है? एक मरोगे और 1000 पैदा हो जाएंगे, इससे उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़ो और उनके ऊपर दबाव बनाओ। इसके लिए कोर्ट क्या करेगा हम इस पर बताने जा रहे हैं। उन अभ्यर्थियों तथा तमाम लोगों का यह कहना है कि संवैधानिक और गांधीवादी तरीके से इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा कई लोगों ने कहा है। और इसके साथ मैं अपने आप को जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि जीवन परमात्मा का दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है, भर्ती नहीं होगी तो और भी काम करेंगे, भूखों मरेंगे क्या? तो दोस्तों मोहित शुक्ला कह रहे हैं हमारा पूरा परिवार भाजपा का बहुत बड़ा फैन है, किंतु योगी सरकार द्वारा इस प्रकार किए गए छल से हम लोग बहुत आहत हैं और आगे कभी भी उनको वोट नहीं देंगे। गौरव यादव कह रहे हैं चौकीदारी की वैकेंसी आने वाली है, अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। एक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अक्टूबर 2018 के बाद यह भर्ती आई है, 5 साल बाद हमारा दोष क्या है? यदि हर साल भर्ती निकलती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। दलित वर्ग के एक अभ्यर्थी का कहना है कि हम सामान्य वर्ग के बच्चे एक ही साथ फील्ड में रहते हैं, तैयारी करते हैं, प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे हम सामान्य वर्ग के बच्चों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे वह हैं वैसे ही हम हैं, हमारी आर्थिक स्थिति उनसे ख़राब नहीं है लेकिन हमें छूट मिल रही है, उन्हें छूट नहीं मिल रही है। इसी प्रकार एक पिछड़ी जात के अभ्यर्थी का भी कहना है कि कोई बात नहीं, छूट तो देनी ही चाहिए, और उनका क्या कसूर है, उन बच्चों का क्या दोष है? यानी नेताओं से अच्छे तो वह बच्चे हैं जो फील्ड में जाकर के दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, कोचिंग में जाते हैं। अब हम रुख करते हैं उच्च न्यायालय की तरफ और जानते हैं कि क्या यूपी पुलिस भर्ती 2023 में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिल सकती है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस आशय की एक याचिका दायर की गई थी सत्यवीर व अन्य के तरफ से, जिस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। याचिका में मांग की गई है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक किया जाए, ऐसी मांग की गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है, विद्वान अधिवक्ता ने बच्चों का पक्ष रखते हुए एक सुप्रीम कोर्ट की एक नज़ीर प्रस्तुत किया और कहा मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका आयोजित की गई थी, तत्कालीन गृह सचिव ने हलफनामा दिया था कि हम प्रत्येक वर्ष आरक्षी और उपनिरीक्षक की भर्ती निकालेंगे, ऐसा हलफनामा दिया था। हलफनामा माने शपथ पत्र, और उस शपथ पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया। अब अगर वह कहेंगे कि कोरोना था इसलिए हम भर्ती नहीं किए, तो कोरोना में प्रधानी का चुनाव क्यों नहीं कैंसिल कर दिए, अपना चुनाव क्यों नहीं खत्म कर दिए? 2022 का चुनाव, बाबा अपना चुनाव खत्म कर देते, लेकिन चुनाव तो समय से होगा, आयोग उसके लिए बना है, आयोग इसके लिए भी है। लेकिन क्या होता है, यह अपने लिए कुछ और इनके लिए कुछ और। प्रतिवर्ष अगर भर्ती निकली होती तो इसका अवसर नहीं मिलता। अब हम अगले वीडियो में संविधान क्या कहता है, किस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल योगी सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध कि बच्चों की जो मांग है सामान्य वर्ग के बच्चों की, उम्र बढ़ा दीजिए, सब फाइट करेंगे, दौड़ेंगे, परीक्षा निकालेंगे, जिसको होना होगा वह होगा, लेकिन इस तरह से 22 साल की उम्र में उन्हें बूढ़ा घोषित कर दिया जाना, तुम्हारे गवर्नर तो अंतिम सांस तक रहेंगे राज्यपाल। खराब बात कह रहा हूँ लेकिन आगे कह दूंगा, उसको भी कहा भी हूँ आगे भी कह दूंगा। हाथ हिल रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं लेकिन रहेंगे वह गवर्नर, इंद्रियों पर काबू नहीं है लेकिन रहेंगे गवर्नर। और बच्चों के लिए यह ठीक है, फोर्स में होना चाहिए लेकिन उन्हीं के साथ तो 5 साल की छूट दे रहे हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।